वेलकम गाइस, तो आज आपके लिए लेके आए हैं 1500 के 100 के बीच में बेस्ट ईयरफोन्स। तो ये बेस्ट ईयरफोन्स हैं बोट के प्लग इनटू निर्वाणा। तो ये हैं बोट के 1500 की रेंज में बेस्ट ईयरफोन्स, वायरलेस हैं और इसके जो फ्रंट से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, वायरलेस म्यूजिक एंड कॉल्स ऑन द गो, न्यूडियम ड्राइवर ड्राइविंग एक्स्ट्रा पावर और बेस मिलेगा। उनका जो मॉडल है रॉकर्स 400 है, ऑन द ईयर टाइप के ईयरफोन्स हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको बोट की प्लग इनटू निर्वाणा की ब्रांडिंग मिलती है, कुछ इस साइड से भी कुछ ऐसा ही है। और फ्रॉम द बैक साइड आपको इसके फीचर्स कुछ मेंशन है, प्लग म्यूजिक वायरलेसली टेबलेट एंड किसी भी, इसका बोलने का मतलब है कि आप किसी भी डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। और इसमें मिलेगा आपको 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप, 2-4 घंटे में इसको चार्ज कर, अप टू 100 आवर्स का स्टैंड बाय टाइम। और इसको आप पिकअप कॉल एंड और को कॉल पिकअप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और रीडायल भी कर सकते हैं, और जो लास्ट नंबर है उसको रीडायल भी कर सकता है। और ये कंपेटेबल विद एंड्रॉइड iOS विंडोज, जो भी ब्लूटूथ सपोर्ट करते हैं आप उसमें इसको चला सकते हैं। और इसके सॉफ्ट एयर कप सेंट फॉर एक्सटेंडेड यूज, आप मतलब इसका बोलने मतलब अगर आप ज़्यादा यूज़ करने चाहते तो इसके लिए आपको सॉफ्ट एयर कप से मिलते हैं। मतलब बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरीज है, मतलब आप रिचार्ज कर सकते हैं इसको थ्रू USB। और माइक्रोफोन है, और इसके नीचे 5 कलर में अवेलेबल है। तो वो कलर मेंशन है नीचे, ग्रीन, ग्रे एंड ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक कार्बन ब्लैक। सो और पैकेज कंटेन 1 ईयर हेडफोन्स, USB चार्जिंग केबल एंड ऑडियो केबल। तो ये तो आपने देख लिया, अभी इसको ओपन करते हैं। एक्चुअली मैंने इसकी सील पहले भी देख कर ली है। तो ये है कंटेंट इन द बॉक्स। तो सबसे पहले आपको एक बोट की वारंटी लीफलेट मिलती है, ये 1 ईयर वारंटी के साथ आते हैं। और बोट का यूजर मैनुअल आप इसको पढ़ सकते हैं, और ये मेन यूनिट है। और इसके साथ आपको मिलते हैं ये 2, एक ऑक्स केबल और चार्जिंग के लिए एक केबल। अब आपको जरूरी नहीं आपको इसके साथ यूज करना है, इसको कहीं भी किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। और ये केबल, और ये, और कुछ इस प्रकार के हैं बोट के रॉक्स 400। तो ये जो इसके ऑक्स केबल आपको इसलिए प्रोवाइडेड है, कहीं बाई चांस आपके बैटरी नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल करके आपको इसको विद इन अ वायर्ड मोड यूज करते हैं। और सेकेंड जाएगा आपके मोबाइल फोन में और किसी भी डिवाइस में जिसे आप यूज करना चाहें। और मैं इसको चार्जिंग बता देता हूँ आपको किस तरीके से इंडिकेटिंग करती है लाइट। तो इसके आप चार्ज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ये आपको आई थिंक वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे हल्की सी रेड लाइट है और जब चार्ज फुल हो जाता है तो ये रेड लाइट ब्लिंक बंद हो जाती है रेड। तो पहले तो फिजिकली ओवर व्यू डालता हूँ। 1500 के रेंज में तो ये बिल्कुल परफेक्ट हेडसेट है, जो आपको कोई और कंपनी ऑफर नहीं करती है, वो बोट ऑफर करती है। तो बोट की वैसे भी साउंड क्वालिटी के लिए बोट काफ़ी सही कंपनी है। और इसका जो प्लास्टिक है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, और यहाँ भी प्लास्टिक यूज की गई है। यहाँ पे सॉफ्ट ईयर कुशन्स मिलते हैं आपको, और यहाँ पे, और ये इसका एक और खास बात यह है कि ये फोल्ड हो जाते हैं कुछ इस तरह से, आप इसको इजीली टू कैरी हैं, ऑन द गो है मींस। तो इसको आप खोल के और एक्सटेंड भी कर सकते हैं आप इसको इस तरीके से, इतने एक्सटेंड कर सकते हैं आप इसको। तो बटन में बारे में बता दूँ, यहाँ पे मीडिया नेक्स्ट और मीडिया बैक और मीडिया पाउज बटन है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो साउंड अप करेगा, लॉन्ग प्रेस कर साउंड होगा। ये सेंटर वाला मल्टी फंक्शनल बटन है जिसे आप कॉल पिक अप, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कॉल को काट भी सकते हैं, और लास्ट नंबर रिडायल करना चाहते हैं उसको लॉन्ग प्रेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था USB लगा के, चार्जिंग पोर्ट है, 3.5 ऑडियो जैक, और ये इंडिकेटर है इनमें से एक, और इनमें से एक माइक है। तो मैं आपको इसके साउंड टेस्ट करा देता हूँ, पावर ऑन, यहाँ से आप इसको लॉन्ग प्रेस से पावर ऑन। ये कोई मेल जेंडर की आवाज में आपको इसकी साउंड मिलेगी। तो अभी मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको आई थिंक आपको साउंड आई होगी। तो यहाँ से इसको आप साउंड इंक्रीज कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस से, तो मैक्स साउंड है। ਸਹੇਲੀਆਂ ਚੰਦਨ ਨਿਗਲੀਆਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ
तो अभी वीडियो में आपको साउंड काफी इतना अंदाजा नहीं लगेगा, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बता देता हूँ। तो साउंड इसकी काफी सही है, काफी लाउड साउंड है और इसका बेस काफी पंचिंग है। अगर आप बेस लविंग है तो इसका बेस काफी पंचिंग मिलता है आपको। तो साउंड इसकी काफी सही है और बैकअप ये 8 आवर्स तक का देता है। इसके थोड़े ईयर कप्स के बारे में बता देता हूँ। ईयर कप्स इसके फोम दिए साइड और इसके ऊपर फोम दिए, काफी सॉफ्ट फोम है ये भी, ठीक ही है फोम फोम। और आपके जस्ट ईयर्स के ऊपर टिकेंगे ये, ऑन द ईयर नहीं है। और ये काफी लाइट वेट है जो इसकी मेरे को सबसे अच्छी बात लगी, और ट्रेवलिंग पर्पजेज के लिए बेस्ट है। तो यही था बोट के ऊपर एक डिटेल रिव्यू। और जो 2000 के अंदर बेस्ट ईयरफोन्स हैं वो है प्रोकस के अर्बन, तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा नॉन एफिलिएटेड लिंक बाय लिंक अमेजोन से। तो ये थे प्रोकस के ये ईयरफोन्स 2000 के रेंज में बेस्ट ईयरफोन्स हैं। तो अभी इसका एक कंपेरिजन वीडियो मिल जाएगा आपको बोट का और प्रोकस का, तो आप कौन सा लें वो आप उसमें से डिसाइड कर सकते हैं अगर आप इन दोनों में से कंफ्यूज हैं। दोनों ही काफ़ी अपने प्राइस रेंज में बेस्ट ईयरफोन्स है, तो उसमें आपको मैं आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दूंगा दोनों हैंडसेट के। अगर जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।